Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. I hope you all are doing absolutely fine. तो हम लोगों को स्टार्ट करना है विद द फिफ्थ वीडियो ऑफ ऑडिट कमिटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस. और अभी तक मैंने फोर वीडियो ज़रूर बनाई हैं, लेकिन वो सिर्फ 1.5 आवर की हुई है. तो अगर आप लोग उसको स्पीड अप करके भी देख लोगे ना, बिकॉज मैंने बहुत स्लो स्पीड में बढ़ाया हुआ है, तो उससे आपका ईजीली वो बहुत जल्दी हो जाएगा. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक नंबर 9 और 8. टॉपिक्स हमने फोर वीडियोस में कवर कर लिए हैं, फर्स्ट फोर वीडियोस में. सो जो टॉपिक नंबर 9 है उसका क्या नाम है, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 5. तो रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी. तो इसमें आपको क्या देखना है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पहले तो उन्होंने बता रखी हैं कि जो डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिलती है तो उसकी क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं. तो पहला पॉइंट इन्होंने ये दिया है कि जो भी पिक्यूनरी का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो भी मॉनेटरी रिलेशनशिप है या ट्रांजेक्शन है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के, उसको यू हैव टू डिस्क्लोज. ठीक है, वाइस वर्स द लिस्टेड एंटिटी शैल बी डिस्क्लोज इन द एनुअल रिपोर्ट. तो मतलब एनुअल रिपोर्ट में जो भी डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ में लिस्टेड एंटिटी का पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, उसको यू हैव टू डिस्क्लोज. फिर उसके बाद में क्या क्राइटेरिया रहता है एनईडी को पेमेंट करने के लिए, वो भी आपको डिस्क्लोज करना है अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिस्टेड एंटिटी को. ठीक है, ऑल्टरनेटिवली दिस मे बी डिसमिनेटेड ऑन द लिस्टेड एंटिटीज वेबसाइट एंड रेफरेंस ड्रॉन देयर टू इन द एनुअल रिपोर्ट. मतलब ये बोल रहे हैं कि एनुअल रिपोर्ट में अगर नहीं भी है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि लिस्टेड एंटिटी की वेबसाइट पे उसको डाल दो कि क्या क्राइटेरिया रहता है डायरेक्टर को पे करने का, एंड वो जो वेबसाइट पे आपने उसको पोस्ट कर रखा है, ठीक है, उसको डिस्प्ले कर रखा है, उसका रेफरेंस आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट में देना होगा. लाइक आप लिंक छोड़ सकते हो या आप कुछ भी दे सकते हो मेंशन कि हमने उसको वेबसाइट पे दिखा रखा है. ठीक है, ये सारी की सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं ऑन द लिस्टेड एंटिटी जो उसको अपनी एनुअल रिपोर्ट में दिखानी है. फिर उसके बाद में इन एडिशन टू द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013, कुछ और डिस्क्लोजर्स हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में हैं. ठीक है, अब वो क्या है, तो ये दोनों जो थी ये तो कंपनीज एक्ट वाली थी, अब ये जो बाकी की दो हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने दी हैं. तो पहला इन्होंने दिया है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को आप बताओ कि मेजर ग्रुप्स, जैसे ये सैलरी है हमारी इतनी इतनी, हम बोनस देते हैं, ये स्टॉक ऑप्शंस हैं, ये पेंशन है, ये बेनिफिट्स है, इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में हैव टू डिवाइड द एलिमेंट्स ऑफ द रेम्यूनरेशन. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स अलोंग विद द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कि क्या फिक्स्ड कंपोनेंट है और क्या उसका परफॉर्मेंस है और किस हिसाब से इंसेंटिव मिलता है और क्या परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है, तो आपको वो भी अलग से बताना है. फिर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, नोटिस पीरियड, सेवरेंस फीस, ये सब बताना है. और स्टॉक ऑप्शन डिटेल अगर कोई है, जैसे किसी एम्प्लॉय ने स्टॉक ऑप्शन ले रखा है, एंड क्या वो जो स्टॉक ऑप्शन है वो डिस्काउंट पे इशू करा है और कितने पीरियड के लिए जो है वो अक्रू हुआ है और कैसे एक्सरसाइज हुआ है. तो ऑल दीज डिस्क्लोजर्स आर सम एडिशनल डिस्क्लोजर्स फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है, तो उसमें 4 पॉइंट्स हैं. आई नो ये थोड़ा सा लर्न करने का है, लेकिन तीन चार बार पढ़ोगे ना तो ईजिली दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है. फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है अप्रूवल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कैसे जो है अप्रूव करा जाएगा कि कितनी डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देनी है. तो कोई भी फीस या कॉम्पनसेशन जो भी डायरेक्टर को दे रहे हो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, और इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इंक्लूडेड है, वो कौन रिकमेंड करेगा, जो बोर्ड है. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे, और उसके साथ में किसका अप्रूवल लगेगा, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा. शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई होगी लिमिट्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शंस जो हम दे सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एंड इन एग्रीगेट. ठीक है, हाउएवर जो अप्रूवल है शेयर होल्डर्स का, उसमें स्पेशल अप्रूवल हमें कब लेना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन हर साल लेना होगा अगर एनुअल रेम्यूनरेशन जो सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मिल रही है वो टोटल एनुअल रेम्यूनरेशन से 50% एक्सीड कर जाती है. दैट मीन्स जो एक ही डायरेक्टर को मिल रही है वो जो टोटल है उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा अगर ले जा रहा है, तो उस केस में, बिकॉज वो इतना ज़्यादा सब्सटैंशियल पोर्शन ले जा रहा है टोटल रेम्यूनरेशन का, तो उस केस में फिर यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा. उससे पहले इन्होंने नहीं बताया था कि कैसा अप्रूवल चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर एक ही शेयर होल्डर, सॉरी एक ही डायरेक्टर अगर 50% से ज़्यादा ले जा रहा है रेम्यूनरेशन,
जो हम देते हैं सारे के सारे डायरेक्टर्स को, तो उस केस में एसआर पास होगा। तो मैंने इसमें आपको मोटे मोटे क्या पॉइंट्स बताए, एक तो मैंने आपको ये बताया कि जो भी फीस है वो कौन रिकमेंड करेगा, बोर्ड रिकमेंड करेगा, और कौन अप्रूव करेगा, शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स साथ में ये भी बताएंगे कि कितना मैक्सिमम स्टॉक ऑप्शन हम दे सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टोटल में। फिर उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि अगर एक ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 50% या उससे ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो उस केस में आपको डिटेल्स देनी होगी और एसआर पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। जो रिक्वायरमेंट है प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स की, वो अप्लाई नहीं होगी टू पेमेंट ऑफ सिटिंग फीस टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सिटिंग फीस दे रहे हैं तो उस केस में हमें शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की कोई लिमिट कोई नीड नहीं है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि वो जो है पेमेंट वो विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। अब कुछ लिमिट है जो कि कंपनीज एक्ट में दे रखी है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर इतनी जो है इतनी सेटिंग फीस अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे रहे हो तो यू डू नॉट नीड एनी अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही इन्होंने दिया है कि अगर वो जो है वो उस लिमिट में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की नीड नहीं है, तो उस केस में फिर आपको शेयर होल्डर्स के भी अप्रूवल की नीड नहीं होगी, आप बिना अप्रूवल के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उतनी सेटिंग फीस दे सकते हो जितनी आ रही है यू नो लिमिट में। ठीक है, और एक स्पेशल पॉइंट है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उनको स्टॉक ऑप्शन का राइट नहीं दिया जाता है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी ऑफ द स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद में जो फीस दी जाएगी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, अभी तक बात हो रही थी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, अब बात हो रही है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जो कि प्रमोटर्स हैं या प्रमोटर ग्रुप के मेंबर हैं, उस केस में क्या लगेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा? नहीं, उस केस में लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अब स्पेशल रेजोल्यूशन कब लगेगा, अगर जो एनुअल रेम्यूनरेशन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दी जा रही है वो एक्सीड कर रही है या तो 5 करोड़ या फिर 2.5% 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। यहाँ एनुअल रेम्यूनरेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, मतलब जो हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं वो अगर 5 करोड़ से ज्यादा है या फिर 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, इन दोनों में से जो भी हायर है अगर उससे ज्यादा है, जैसे सपोज जो 2.5% है नेट प्रॉफिट का दैट इज 6 करोड़, तो उस केस में फिर 6 करोड़ नहीं होनी चाहिए। अगर 6 करोड़ है तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, एसआर लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का। ठीक है, और का मतलब है एंड नहीं है यहाँ, और या फिर अगर वेयर देर इज मोर देन वन सच डायरेक्टर एग्रीगेट एनुअल रेम्यूनरेशन टू सच डायरेक्टर एक्सीड्स 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो इसमें ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर है, जैसे ऊपर उन्होंने दिया एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर अगर एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो जो एग्रीगेट एनुअल रेम्यूनरेशन है ना, मतलब जो टोटल एनुअल रेम्यूनरेशन है ना जो डायरेक्टर को आप दे रहे हो, वो अगर 5% से ज्यादा हो रही है नेट प्रॉफिट के, यहाँ पे कहीं पे भी एनुअल रेम्यूनरेशन नहीं है, टोटल रेम्यूनरेशन नहीं है, मेरा मतलब यहाँ पे क्या है नेट प्रॉफिट। ऊपर वाली केस में आपने देखा था 50% वाला जो था वो टोटल एनुअल रेम्यूनरेशन था, यहाँ पे क्या है प्रॉफिट है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कब कब एसआर चाहिए, अगर जो एनुअल रेम्यूनरेशन उस डायरेक्टर को आप दे रहे हो वो 5 करोड़ से या फिर 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, इन दोनों से जो भी हायर है उससे एक्सीड कर जा रहा है, या फिर अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर है तो जो एग्रीगेट एनुअल रेम्यूनरेशन है ना उस डायरेक्टर को, वो अगर 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज्यादा हो जा रही है तो फिर आपको क्या लगेगा, शेयर होल्डर्स का एसआर लगेगा। तो ये ना फंसा सकते हैं आपको, कोई केस स्टडी दे देंगे और जो भी मैंने अभी तक पॉइंट्स बताया उसमें से कोई भी एक पॉइंट ऐसा दे सकते हैं कि वो या तो दे देंगे कि कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, एंड आपको बताने कि क्या कंपनी ने कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। तो ये लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ते हैं और जैसे ये कर देंगे कि 5 करोड़ से कम है, और फिर उस केस में अगर आप लिखा है कि 5 करोड़ से कम है और एसआर नहीं लिया है तो कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया है, तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। आपको यही लिखना है कि 5 करोड़ और 2.5% जो भी इसमें से ज्यादा है, ठीक है, तो अगर 5 करोड़ से कम है तो वो वैसे ही नहीं आएगा। ओके, तो उसको आप कंसीडर करते हो जो भी दोनों में से ज्यादा होता है। तो इसका ध्यान रखना। फिर इसके बाद में जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे वो एज पर क्या करोगे, सेक्शन नंबर 198।
नाउ इन दिस कंटेक्स्ट द ऑडिटर शुड, अब ऑडिटर को क्या करना चाहिए, तो सारी बातें लागू हुई थी लिस्टेड एंटिटी पे. अब ऑडिट करने जाओगे तो क्या करोगे आप? आप एक तो देखोगे मिनट्स बोर्ड मीटिंग के, शेयर होल्डर्स मीटिंग के, रेलिवेंट एजेंडा पेपर्स, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और ये देखोगे कि जो रेम्यूनरेशन दी गई है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, वो बोर्ड ने डिसाइड करी है अप्रूवल लेने के बाद में, मतलब जो अप्रूवल उन्हें लेना था क्या उन्होंने लिया है. फिर उसके बाद में आप AOA भी रेफर करोगे जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होगी. और थर्ड पॉइंट इज दैट यू हैव टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिपोर्ट. आप जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली रिपोर्ट है उसका भी एग्जामिनेशन करोगे, और ये देखोगे कि जो ऊपर आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी ना चार एडिशनल वाली, तो क्या उन्होंने वो डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है. और साथ में ऑडिटर शुड कोरिलेट दिस डेटा विद द कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसको ये भी देखना है कि जो डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में था उसी के अकॉर्डिंग्स में ये हुआ है. ओके फिर इसके बाद में वेयर एप्लीकेशन ऑफ दिस क्लॉज रिक्वायर्स द वैल्यू ऑफ ईसॉप टू बी डिटरमाइंड, उस केस में फिर आप एक्सपर्ट की कंडीशन, एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा SA 620 रेलेवेंस में, एंड दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट. ठीक है, तो आपको अगर लग रही है एक्सपर्ट की नीड तो आप डेफिनेटली ले सकते हो. एंड मैं कोशिश करूंगी पूरा जो बड़ा सा चैप्टर है ना इसको एक ही वीडियो में मैं एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन टाइप का बना दूं, तो उससे ना ये बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा. बट उसमें भी कंडीशन यही रहेगी कि आपको सारे के सारे प्रोविजंस के बारे में आइडिया हो, तभी तो उसको रिवाइज करोगे. तो एक शॉर्ट रिविजन भी बना दूंगी मैं. ठीक है, ऑल्दो अभी भी मैं स्पीड थोड़ी फास्ट ही रख रही हूँ, बट हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा फास्ट हो पाए स्पीड, तो वो मैं अपलोड कर दूंगी अगर वो वीडियो बन गई ना शॉर्ट वाली, और अगर बनेगी ना तो वो आपको इसी की प्लेलिस्ट में मिलेगी. ठीक है, ओके अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक से, ऑब्लिगेशंस विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट, की मैनेजरियल पर्सनल, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स. तो अभी तक आप लोगों ने इतनी सारी ऑब्लिगेशंस अलग अलग लोगों के लिए पढ़ ली, लिस्टेड एंट्री तक के लिए आपने पढ़ ली क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स उन पर एप्लीकेबल है. अब आता है जो लोग हैं उनके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन है. तो इसमें पहली वाली तो कंडीशन आपको ऑलरेडी पता ही है, जिसे ऑडिट कमेटी में थी ऐसी बोर्ड के ऊपर है, कि बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, कम से कम 4 मीटिंग्स करनी होगी और 120 दिन के गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 मीटिंग का गैप जो है वो दैट शुड नॉट एक्सीड 120. और जो कोरम रहेगा सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज में, वो कैसा होना चाहिए, वो या तो 1/3 हो या 3 डायरेक्टर्स, उन दोनों में से जो भी हायर होगा. ठीक है, मतलब मिनिमम 3 है, और अगर उससे भी ज़्यादा है 1/3 तो डेफिनेटली फिर हमें 1/3 की रिक्वायरमेंट होगी. और 2000 तो मैंने आपको बताया ही था कि टॉप 1000 2500 लिस्टेड एंटिटीज कैसे होती हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो इसमें क्या क्या अभी तक हमारी ऑब्लिगेशन है, कि एक तो आपको 4 मीटिंग्स करनी है एक साल में, दोनों मीटिंग के बीच में 120 डेज का गैप होना चाहिए. फिर इन्होंने कोरम बताया, कोरम का मतलब आपको पता है कि उन लोगों के बिना वो मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती. तो कोरम जो है वो 2000 जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज, उनके लिए क्या है, 1/3 या फिर 3rd. ठीक है, 1/3 या फिर 3, जो भी इन दोनों में से हायर होगा. ठीक है, और जो कोरम था ऑडिट कमेटी का वो क्या था, हायर ऑफ 1/3 और 2. ठीक है, और उसमें ये भी था कि एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. यहाँ इन्होंने क्या बोला, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा तो भी चलेगा. ओके हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आप बार बार करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा. फिर उसके बाद में जो पार्टिसिपेशन, अगर आप ऑडियो वीडियो मोड से कर रहे हो तो दैट विल बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ कोरम. ओके फिर जो काउंट है फॉर द नंबर ऑफ लिस्टेड एंटिटी, वो होगा शेल बी ओनली दोज हूज इक्विटी शेयर आर लिस्टेड ऑन द, लिस्टेड वाले वही होंगे जिनके इक्विटी शेयर लिस्टेड एंड स्टॉक एक्सचेंज पे. और जो 2000 1500 है ये कैसा होगा, एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उसके बेसिस पे टॉप 500 1000 2000 एंटिटीज जो है वो डिटरमाइन होती हैं. फिर उसके बाद में जो डायरेक्टर है वो 10 कमिटीज से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकता है. अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था कि वो कितने में डायरेक्टर हो सकता है, तो वो 7 और 3 था. यहाँ पे है डायरेक्टर मेंबर नहीं बन सकता, 10 कमिटीज से ज़्यादा वो मेंबर नहीं बन सकता, और वो 5 कमिटीज से ज़्यादा का चेयरमैन नहीं हो सकता. ठीक है, अक्रॉस ऑल द लिस्टेड एंटिटी जिसमें वो डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हुआ है.
ठीक है। अभी जो लिमिट है, लिमिट ऑन द कमिटीज ऑन विच डायरेक्टर में सर्व, ये जो है ये लिमिट किस किस पे एप्लीकेबल है, सारी की सारी पब्लिक एंटिटीज पे है, मतलब जो भी इन पब्लिक कंपनीज की कमिटीज होंगी वो भी इंक्लूडेड हैं, फिर वो चाहे लिस्टेड हैं चाहे अनलिस्टेड हैं। और इसमें कौन कौन सी कंपनीज भी आती हैं, प्राइवेट भी आती है, फॉरेन भी आती है, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज भी आती हैं, ये बोल्ड कर रखा है इंस्टीट्यूट ने और शी को भी बोल्ड कर रखा है, तो ध्यान रखना इंस्टीट्यूट फंसा सकता है एक केस स्टडी क्वेश्चन में, तो बहुत ध्यान रखना, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। लेकिन इसमें इन्होंने अगेन एक बहुत ही बड़ा पॉइंट दे दिया बिल्कुल छुपाकर, और इन्होंने बोला है एंड कंपनीज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी 2013 शैल बी एक्सक्लूडेड। अब देखो यहाँ इन्होंने क्या करा, यहाँ इन्होंने कर दिया कंफ्यूज, द लिमिट ऑफ कमिटीज ऑन विच डायरेक्टर में सर्व इन ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट शैल बी इंक्लूडेड, मतलब चाहे वो लिस्टेड है चाहे वो अनलिस्टेड है वो तो इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन बाकी सारी जो कंपनीज हैं, ऑल अदर कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फॉरेन कंपनी, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी या फिर सेक्शन 8 वाली, वो एक्सक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसको देखो एक ही झटके में पढ़ोगे तो ये आपको लगेगा कि सारी की सारी इंक्लूडेड है, लेकिन इन्होंने जो कॉमा दिया है ना, यहाँ तक इन्होंने ये दिया है कि चाहे वो अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो भी वो उसमें आएगा, कमिटी जो है, ये बात हो रही है ना कि डायरेक्टर एक 10 कमिटी से ज़्यादा का मेंबर नहीं हो सकता और चेयरपर्सन 5 कमिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये कौन सी कमिटी है, तो ये जो कमिटी है ये चाहे पब्लिक, ये पब्लिक लिमिटेड एंटिटी की होनी चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की होनी चाहिए, अब वो चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, बाकी कोई कमिटी इसमें काउंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखो शैल बी इंक्लूडेड एंड ऑल अदर कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फॉरेन कंपनी, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज, को बहुत ज़्यादा बोल्ड कर लो अपने, दो तीन अगर आप पे हाईलाइटर हो तो दो तीन कलर से इसको हाईलाइट कर लो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज को यहाँ पे लिख दिया है और इसमें आपको फंसा सकते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो अलग अलग कलर के हाइलाइटर से आप कॉमा के बाद यहाँ से जो है अलग मार्किंग कर लो और उसको अलग कर लो मार्क। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ लिमिट चेयरपर्सन एंड मेंबरशिप ऑफ ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी शैल ऑल्सो भी काउंटेड, मतलब ये जो कमिटी है अगर वो जो डायरेक्टर है वो किसी ऑडिट कमिटी का मेंबर है या किसी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप का कमिटी का मेंबर है तो हम उसको भी काउंट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में जो बोर्ड है उसको पीरियोडिकली रिव्यू करना होगा कंप्लायंस रिपोर्ट्स के साथ में कि क्या उनका कंप्लायंस इन अकॉर्डिंग विद द रेगुलेशंस हुआ है या नहीं हुआ है। फिर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो लायबल होगा अगर वो सिर्फ उन्हीं एक्ट्स के लिए लायबल होगा, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स और ओमिशंस बाय द लिस्टेड एंटिटी जो उसकी नॉलेज में हुआ है और जो बोर्ड के प्रोसेस से एट्रिब्यूटेबल है और उसकी कंसेंट के साथ में हुआ है, या फिर उसने डिलीजेंटली काम नहीं किया है, उसने डिलीजेंटली ये नहीं देखा है कि क्या LODR रेगुलेशंस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसके अलावा वो कहीं पे भी लायबल नहीं होगा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने एक और कंडीशन दे दी है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना उसको कम से कम एक मीटिंग करनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर में बिना नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के और मेंबर्स के, जिससे वो कुछ अपनी खुफिया बातें डिस्कस कर सके, एंड ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्ट्राइव शेल स्ट्राइव टू बी प्रेजेंट एट सच मीटिंग, मतलब उनको होना चाहिए, सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रेजेंट होना चाहिए। जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन है बिफोर द बोर्ड वो स्पेसिफाई है पार्ट ए में, सीनियर मैनेजमेंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, सीनियर मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा टू द बोर्ड रिलेटिंग टू ऑल मटीरियल फाइनेंशियल एंड कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स जहाँ पे भी उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, मतलब जैसे अगर वो डील कर रहे हैं कंपनी के शेयर्स में कमर्शियल डीलिंग्स में, या फिर उनका शेयर होल्डिंग है मैनेजमेंट का और उनके रिलेटिव्स का, उनका क्या हो गया पर्सनल इंटरेस्ट हो गया ना, तो जहाँ पे भी सीनियर मैनेजमेंट का पर्सनल इंटरेस्ट है कंपनी के साथ में एंटिटी के साथ में, तो उनको डिस्क्लोज करना होगा दैट दे मे हैव पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एट द लार्ज। फिर इसके बाद में है नो कंपनी इंक्लूडिंग KMP और डायरेक्टर और प्रमोटर शैल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, या तो अपने लिए या मतलब हर सेल्फ मतलब लड़का लड़की दोनों कवर हो गए, ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब या तो खुद के लिए या किसी और के लिए कोई भी एम्प्लॉय या की मैनेजरियल पर्सनल एंटर नहीं करेगा किसी भी शेयर होल्डर के साथ में या थर्ड पार्टी के साथ में विद रिकार्ड टू कॉम्पनसेशन और प्रॉफिट शेयरिंग इन कनेक्शन विद द डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ सच लिस्टेड एंटिटी, मतलब जैसे कोई एम्प्लॉय है मिस्टर ए,
उसने क्या करा, उसने थर्ड पार्टी के साथ में, मिस्टर बी के साथ में क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि देख भाई ये जो सिक्योरिटी है ना, इसका इतना तू ले रही हो, इतना मैं ले लेता हूँ। तो ऐसा कोई भी वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते वो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, या तो अपने बिहाफ पे या किसी और के बिहाफ पे, किसी थर्ड पार्टी से या शेयर होल्डर के साथ में, वो ऐसा कब नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते, जब तक वो अप्रूवल नहीं ले लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और पब्लिक शेयर होल्डर्स के साथ में एक ओआर भी नहीं ले लेते हैं, तब तक वो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। क्या एग्रीमेंट है? विद रिगार्ड टू कॉम्पेंसेशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कनेक्शन विद द डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो इट में बी नोटेड कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो या तो चल रहा है या एक्सपायर हो गया है, और ये पिछले किसी 3 साल में हुआ, मतलब इस साल नहीं हुआ लेकिन पिछले 3 साल में किसी में हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को इस बारे में कि ऐसा ट्रांजेक्शन जो है वो या तो कंपनी ने या कंपनी के की मैनेजर और पर्सनल ने कर रखा था, ठीक है। फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर्स, डिसमिनेशन मतलब होता है, डिसमिनेशन मतलब होता है डिस्क्लोजर, या फिर आप कह सकते हो मैंने नेट से देखा था ब्रॉडकास्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में इट में ऑल्सो भी नोटेड कि अगर कोई जो अग्रीमेंट है वो चल रहा है, सब्सिस्टिंग है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ है और कभी पहले हुआ होगा लेकिन चल रहा है, इफ एनी एज इन द डेट ऑफ कमिंग इन टू फोर्स ऑफ दिस सब रेगुलेशन, मतलब ये रेगुलेशन जो है अप्लाई हो गया है बट वो अग्रीमेंट तो पहले हुआ था तो वो चल रहा है, तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, उसको आप बोर्ड के सामने अप्रूवल के लिए रख दोगे, और अगर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया तो फिर वो किसके पास चला जाएगा, वो चला जाएगा शेयर होल्डर के पास में, और शेयर होल्डर को क्या पास करना होगा उस रिस्पेक्ट में, ओआर पास करना होगा, ठीक है। इन एडिशन टू दिस इट मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हैं इस ट्रांजेक्शन में उनको वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। अब इंटरेस्टेड पर्सन की इन्होंने डेफिनेशन दी दी है कि मतलब कोई भी जो पर्सन है वो वोटिंग राइट जो होल्ड कर रहा है लिस्टेड एंटिटी में किसी भी मैनर में, चाहे डायरेक्ट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और वो इंटरेस्टेड है किसी भी एग्रीमेंट में या प्रपोज एग्रीमेंट में जो कि हुआ है इन टू बाय सच पर्सन और बाय एम्प्लॉय, मतलब जो इंटरेस्टेड पर्सन है बेसिकली उसको जो है वो वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको खुद पढ़ लेना आप डेफिनेशन को। फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अगर रिजाइन कर दिया है या रिमूव कर दिया है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी वैकेंसी को भरना पड़ेगा। कब तक हम भर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दो, लेकिन दो चीज़ों में जो भी बाद में आएगा उससे लेट नहीं होना चाहिए, मतलब इमिजिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर 3 मंथ्स ऑफ सच वैकेंसी, मतलब 3 मंथ्स अगर पहले आ गए और बोर्ड मीटिंग अभी बाद में होनी, तो बोर्ड मीटिंग तक भर सकते हो वैकेंसी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को या तो उसने रिजाइन कर दिया, आपने निकाल दिया। फिर उसके बाद में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट प्लान्स आर इन प्लेस फॉर ऑर्डरली सक्सेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द बोर्ड एंड टू द सीनियर मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये सेटिस्फाई करना होगा कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो ठीक से हुए हैं। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, हाई वैल्यू डेट कौन सी होती है, वो होती है शैल अंडरटेक डायरेक्टर्स इन ऑफिसर्स इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर सच सम इंश्योर्ड एंड फॉर रिस्क एज मे बी डिटरमाइंड बाई इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कौन सी होती है हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, जो कि क्या अंडरटेक करती है, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स का इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर द सम इंश्योर्ड, और जिससे क्या कर सके वो रिस्क जो उसने डिटरमाइन कर रखे हैं उसके लिए वो इंश्योर कर सके, ठीक है। तो ये किसके लिए होती है, डायरेक्टर्स ऑफिसर्स इंश्योरेंस और सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए होती है, एक तरीके का इंश्योरेंस हो गई। फिर इसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब होनी चाहिए, तो इन्होंने अभी दिया था कि जो मीटिंग है वो आप कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी है एंड दोनों मीटिंग के बीच में 120 दिन का गैप नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो कब होनी चाहिए, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इसके विद इन 30 डेज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे रिपीटेशन ही करा है कि अगर कोई भी प्रोविजन जो है वो अगर अप्लाई नहीं हो रहे हैं इन टू एनी क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज और एक्सेप्शंस, तो उसको आपको, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ प्रोविजन जो है वो आपको बता सकती है जो उस पर अप्लाई नहीं होंगे, इसमें यह है। फिर उसके बाद में जो सेक्शन 8 कंपनी है शेल अप्लाई ओनली टू द एक्सटेंट दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सच कंपनी शेल होल्ड एटलीस्ट मीटिंग विद एवरी 6 कैलेंडर मंथ। हाँ, इसमें अब इन्होंने ना दो चीज़ें दी हैं, सेक्शन 8 कंपनीज के लिए और IFSC और प्राइवेट कंपनी के लिए। तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए इन्होंने क्या दिया है कि इनको कम से कम एक ही मीटिंग करनी है, जैसे वैसे अदर देन सेक्शन 8 के लिए तो 4 मीटिंग का है,
और 120 दिन का है, लेकिन ये उन्होंने सेक्शन 8 के लिए क्या करा है, वन मीटिंग करी है और वो हर 6 महीने में होनी चाहिए, मतलब एक तरह से दो मीटिंग हो गई ना साल की, फिर तो यही हो गया कि एटलीस्ट एक मीटिंग इन्हें हर 6 महीने में करनी चाहिए जो सेक्शन 8 वाली है। इनके ऊपर वो 4 वाली अप्लाई नहीं होती, 4 और फर्स्ट मीटिंग वाली कंडीशन। उसी तरह से अगर कोई IFSC पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में क्या है, उस केस में उसको अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 60 डेज के अंदर अंदर करनी है और जो सब्सिक्वेंट मीटिंग है वो फर्स्ट वन मीटिंग उसको हर 6 मंथ्स में करनी। ठीक है, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन परेशान कर सकता है फिर से कि अगर वो IFSC पब्लिक है या फिर प्राइवेट है, जो ऊपर वाले प्रोविजन थे दैट वर फॉर पब्लिक कंपनी, और ये वाली जो कंडीशन है किसके ऊपर है, IFSC कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ठीक है, फिर जो ऑडिटर है उसको क्या करना है, उसको फिर से यही देखना है, मिनट्स ऑब्टेन करना है, ये देखना है कि काम ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। ऑल्सो ऑडिटर को ये असर्टेन करना होगा कि जो डायरेक्टर है वो 10 कमिटी से ज़्यादा का चेयरमैन नहीं है, 5 कमिटी से ज़्यादा का डायरेक्टर नहीं है। ओके, और सूटेबल डिक्लेरेशन ली जाएगी डायरेक्टर से कि तुम मतलब ये कबूल करो कि ऐसा कुछ नहीं करा है तुमने, तुमने अबाइड करा है लॉ के साथ में। ऑल्सो दिस इंफॉर्मेशन जो है ये आप एनुअल रिक्वायरमेंट के साथ में वेरीफाई करोगे अबाउट द कमिटी जिसमें वो ऑक्यूपाई कर रहा है एक प्लेस, तो उसके साथ आप क्रॉस वेरीफाई भी करोगे क्योंकि आप ऑडिटर हो और आपका काम है ये चेक करना कि सारा काम ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में कंप्लाइंस दे रखा है ऐसे 250 के साथ में, तो ऐसे 250 क्या है, लॉज एंड रेगुलेशंस को करता है, तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये देखना चाहिए कि सारा काम लॉ एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हुआ है। ऑडिटर को इसी रिस्पेक्ट में क्या लेना है, ऑडिटर को इसी रिस्पेक्ट में लेना है सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि सारा काम कैसे हुआ है, लॉ के हिसाब से हुआ है। ओके, ऑल्सो ऑडिटर को क्या लेना चाहिए, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, 11th टॉपिक, ये बात करता है कोड ऑफ कंडक्ट की। तो जो बोर्ड है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट, तो जैसे आपके स्कूल लाइफ थी, कॉलेज लाइफ में तो कौन ही फॉलो करता है, स्कूल में था कि एक रूल्स रेगुलेशन होते थे, CBSE बोर्ड में मैं DPS की हूँ तो मुझे एक ऑलमेनाक मिलती थी, उसमें पूरा कोड ऑफ कंडक्ट होता था कि ये रूल्स हैं दिस यू हैव टू फॉलो। अब हम वो करते कितने थे वो डेफिनेटली हमारे स्कूल का अलग है, लेकिन मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करता है। इसी तरह से बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन का सुप्रीम हो गया, तो वो भी क्या करता है, कोड ऑफ कंडक्ट करता है कि सारे के सारे मेंबर्स को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, और सीनियर मैनेजमेंट्स को और मतलब सारे ही लोगों को वो कंडक्ट जो है कोड ऑफ कंडक्ट उसको फॉलो करना है। तो बेसिकली जो ऊपर वाले लोग हैं उनको तो करना ही करना चाहिए, तो बोर्ड ने कोड ऑफ कंडक्ट दिया है बोर्ड मेंबर्स के लिए और सीनियर मैनेजमेंट के लिए, सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स को और सीनियर मैनेजमेंट को और पर्सनल को उस ये साथ में इन्फॉर्म करना चाहिए। आधा घंटा कंप्लीट हो गया मुझे बोलते हुए, इसलिए मेरा अलार्म बजे। ओके, तो सारे के सारे जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं और सीनियर मैनेजमेंट है उनको क्या करना चाहिए, उनको एक अफर्म करना चाहिए विद द कोड ऑफ कंडक्ट ऑन एनुअल बेसिस। फिर जो एनुअल रिपोर्ट है कंपनी की उसमें एक डिक्लेरेशन होनी चाहिए टू दिस इफेक्ट कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उनका हम कंप्लायंस कर रहे हैं। वो कौन साइन करेगा, CEO साइन करेगा। जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो वेबसाइट पे पोस्ट भी होगा। ऑल्सो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट में आएंगी। अब सीनियर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, वो पर्सनल जो कि क्या है कोर मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनको हम बोलेंगे सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, नॉर्मली जो है इसमें कौन कौन आएगा, इसमें सारे के सारे वो लोग आएंगे मैनेजमेंट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से एक लेवल नीचे हैं, और मैनेजमेंट डायरेक्टर आएंगे मतलब इन इन सारे ऑफिसर से एक लेवल नीचे हैं वो सारे लोग होंगे सीनियर मैनेजमेंट। तो CEO, MD, WDB तो टॉप लेवल हो गए, मिडिल लेवल वाले बेसिकली। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे सीनियर मैनेजमेंट, मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को जो अपने हायरार्की बढ़ी थी टॉप मिडिल वो वाले मिडिल नहीं, ये होंगे टॉप में ही जो CEO वगैरह से एक नंबर नीचे वाले, एक लेवल नीचे वाले। ठीक है, एंड शिल स्पेसिफिकली इंक्लूड CS, CFO, ये सब भी इसमें आएंगे। ऑडिटर को यही देखना है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन हुआ है और फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, और उसको एक कॉपी भी लेनी होगी। उसको ये भी देखना होगा बोर्ड मेंबर्स और सीनियर मैनेजमेंट जो है उन्होंने अफर्म करा है या नहीं करा है, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो वेबसाइट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। फिर विजिल मैकेनिज्म का क्या मतलब हुआ, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, फिर इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो से करूँगी क्योंकि मुझे पता है 10th वाला टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया है, और मैं उसका ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में एक बस शॉर्ट रिकैप जरूर करा दूंगी वरना वो आपको याद करने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो 10th वाला अगर हैवी लगा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करा दूँगी। विजिल मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, जैसे विजिल मैकेनिज्म क्या होता है ना, जैसे आप
ऑडिट कर रहे थे, आप कैंटीन में गए उस ऑर्गेनाइजेशन की, अब आप आ रहे थे वहाँ से, तो आपने देखा जैसे यार कैंटीन में तो कौन ही जाता है, थोड़े प्रैक्टिकल्स देते हो, वॉशरूम गए ठीक है, तो मतलब आप आ रहे थे वापस, तो आपने दो एम्प्लॉयज़ को बातें करते हुए सुन लिया किसी फ्रॉड के बारे में। अब आपने, आप ऑडिट करने गए हो, आप यही देख रहे हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सही पोजिशन बता रहे हैं, बट आपको कोई ऐसी बात पता लग गई जो कंपनी के इंटरेस्ट में ठीक नहीं है, तो वहाँ रोल आता है विजिल मैकेनिज्म का। ठीक है, तो लिस्टेड एंटिटी जो है उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए एक विसिल मैकेनिज्म या विसिल ब्लोअर पॉलिसी डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए कि वो कुछ जेन्युइन कंसर्न्स जो है उसको रिपोर्ट कर दें। तो इसी तरह से आपने सुनी, अब जो कंपनी है उसको क्या करना चाहिए, उसको भी एक विजिल मैकेनिज्म बनाना चाहिए अपने पार्ट पे। ऑडिटर तो ये चेक करेगा कि कंपनी ने ऐसा बनाया या नहीं बनाया, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या कंपनी ने ऐसा बनाया, मतलब डायरेक्टर और एम्प्लॉयज, जैसे जैसे अगर आपकी जगह कोई डायरेक्टर होता और उसने ये बात सुन ली होती, तो उस केस में कंपनी को क्या एक्शन लेना चाहिए था, तो उसी को हम बोलते हैं एक शील्ड जो उन्होंने क्रिएट करी है, दैट इज विजिल मैकेनिज्म। सो दिस मैकेनिज्म शुड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज और एनी अदर पर्सन हु अवेल द मैकेनिज्म एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमिटी इन अप्रोप्रिएट और एक्सेप्शनल केसेस। द डिटेल्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच मैकेनिज्म शैल बी डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी ऑन इट्स वेबसाइट एंड इट्स बोर्ड रिपोर्ट। तो विजिल मैकेनिज्म बेसिकली क्या हो गया ना, विजिल मैकेनिज्म यही हो गया कि एक मैकेनिज्म जिसमें आपने सेफगार्ड्स प्रोवाइड कर रखे हैं कि जिससे कुछ भी अगर गलती हो, ऐसी कुछ भी ऐसा अगर गलत कर रहे हैं एम्प्लॉयज, तो वो पकड़ में आ जाए। ठीक है, और ये चीज़ आपको कहाँ करनी होगी डिस्क्लोज, ये चीज़ आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कंपनी की वेबसाइट में। तो एज एन ऑडिटर आपको यही देखना है कि जो कंपनी है उसने विजिल मैकेनिज्म का जो मैकेनिज्म है वो बना रखा है या नहीं बना रखा है। ओके, तो ये एक तरह से क्या होता है ना, एक चैनल होता है जो एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स के पास होता है कि जैसे अगर उनको कुछ भी पता लग रहा है, जैसे आप तो ऑडिटर थे तो आपने ये चीज पता करी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने विजिल मैकेनिज्म ठीक से नहीं बना रखा है। तो अगर आपकी जगह यही चीज़ कंपनी का कोई बंदा पकड़ लेता, तो वो फिर उसके लिए सेफगार्ड्स लगा सकता था, उस चीज़ को एलिमिनेट कर सकता था, राइट। तो विजिल मैकेनिज्म वही है, एक चैनल दे देता है एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को कि कुछ भी अगर बात पता लग गई है, कि भले ही उसमें मैनेजमेंट का ही कुछ ऐसा पॉइंट हो, ठीक है, मैनेजमेंट का ही कोई अनएथिकल बिहेवियर पकड़ा गया हो, तो अगर कुछ भी ऐसा है या सस्पेक्टेड फ्रॉड है, तो वो चीज़ आप क्या करो, वो चीज़ आप रिपोर्ट करो। ठीक है, और ये जो डिटेल्स होंगी कि कैसे आप विजिल मैकेनिज्म जो कर रहे हो वो कंपनी को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट पे और बोर्ड रिपोर्ट में भी। मैं काम करती हूँ, मैं एक मिनट ना गूगल सर्च करती हूँ, मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या जो कंपनी है, किसी कंपनी ने विजिल मैकेनिज्म अपना बना रखा है। एक मिनट दो, बस मैं देख रही हूँ। विजिल मैकेनिज्म ऑफ अ कंपनी, मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ अगर कहीं से मिल जाए विजिल मैकेनिज्म। रिलायंस का देखते हैं। सॉरी, नेट बड़ा स्लो चल रहा है यार। ये देखो, ये रिलायंस का है, होम फाइनेंस लिमिटेड। To ensure uniformity in terms of policies and procedures which employees need to adopt, RHFL adopts the ombudspersons and whistleblower policy as adopted by Reliance Capital Limit, the holding company. तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि जो होल्डिंग कंपनी ने लगा रखा था वही हमने अडॉप्ट किया है, और जो टर्म एम्प्लॉय है वो यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ को जो रिलायंस होम फाइनेंशियल लिमिटेड के हैं उनके रोल्स और उनको कवर करता है।
तो इन्होंने इस तरह से ये कर रखा है, और इन्होंने ये पूरी अपनी विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी इन्होंने दिखा रखी है कि इनका ऑब्जेक्टिव है कल्चर ऑफ स्पीकअप, नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट हो, नेसेसरी सेफ गार्ड हो जिससे एम्प्लॉय जो है वो प्रोटेक्ट हो पाए। तो इसी तरह से एज एन ऑडिटर आपको ये चेक करना है कि लिस्टेड एंटिटी ने भी ऐसा कुछ कर रखा है या नहीं कर रखा है, ठीक है, और उन्होंने जो है वो अपनी बोर्ड रिपोर्ट में उसको प्रेजेंट कर रखा है या नहीं कर रखा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जो उनको सेफ गार्ड करता है अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉय और कोई पर्सन जो अवेल कर रहा है मैकेनिज्म, और ऑल्सो वो एक डायरेक्ट एक्सेस देता है कि आप जाके चेयरपर्सन को वो एक डायरेक्ट एक्सेस देता है ऑडिट कमेटी की कि आप जो है वो इस केस में एक्शंस ले सकते हो अगर आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस मिले। ओके, सो लिस्टेड एंटिटी को एक विजिल मैकेनिज्म करना चाहिए डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज के लिए जिससे वो जनरल कंसर्न्स रिपोर्ट कर सकें, और जो ऑडिट कमेटी है वो इस केस में उसके पास में डायरेक्ट एक्सेस होता है, और इसकी डिटेल्स जो है वो वेबसाइट और बोर्ड रिपोर्ट में भी आनी चाहिए। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करूँगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 13, एंड मेरी कोशिश तो अब यही रहेगी कि यार ये अब ख़त्म ही हो जाए नेक्स्ट वीडियो में, और मैं ज़रूर आई गेस सक्सेसफुल हो जाऊंगी क्योंकि अब कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेच करना पड़े। फटाफट फटाफट हो जाएंगे, बहुत ही नन्हे नन्हे टॉपिक्स हैं, और हम लोग क्या करेंगे 10th वाला जो टॉपिक है ना उसको भी क्विक रिविजन कर लेंगे, चाहे कल की वीडियो में या फिर वो वाली वीडियो में करा दूंगी जो मैं फुल वीडियो बनाने को कह रही हूँ। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिली हो, एंड इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर नहीं कर रहा हो तो और यहाँ तक आ गए हो तो। ओके, सो एंडिंग द वीडियो हियर एंड थैंक यू।